राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज संजू सैमसंग ने कृष्णप्पा गौतम की पारी की जमकर तारीफ की है। साथ ही उन्होंने रविवार रात आईपीएल के मैच में मुंबई इंडियंस पर आखिरी ओवर में मिली जीत को टीम के प्रयासों का नतीजा बताया। गौतम ने सिर्फ 11 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाए जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। इससे पहले संजू सैमसंग और बेन स्टोक्स ने तीसरे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी की थी। संजू सैमसंग ने मैच के बाद कहा कि गौतम का प्रदर्शन शानदार था, उसके और हम सभी के लिए जीवन भर याद रहने वाला अनुभव रहा। राजस्थान रॉयल्स के कैरेबियाई खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर को मैन ऑफ द मैच चुना गया जिन्होंने 22 रन देकर 3 विकेट निकाले। सैमसंग ने मैन ऑफ द मैच पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि गौतम मैन ऑफ द मैच था, लेकिन सभी का योगदान अहम था। आर्चर ने भी 3 विकेट के लिए और 1 चौका भी लिया। मैं मैन ऑफ द मैच के चयन पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने भी गौतम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, गेंद के बल्ले पर आने का इंतजार करके अपने स्ट्रोक्स खेले। 29 साल के कर्नाटक के गौतम को राजस्थान रॉयल्स ने करीब 6 करोड़ रुपए में खरीदा है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।